ऐसी अकालिया का बनाया होया कानून भी रद्द कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे खिलाफ सी 2013 च उन्होंने बनाया सी, जिहदे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने करन दा ऐलान किया सी, कानून बनाया सी। 17,000 रुपया जिन्हां दा 75% तो वध नुकसान हो गया, जिन्हों 100% मन्या जांदा है, उन्होंने 17,000 रुपया 12,000 की बजाय 17,000 रुपया कुल है जिहड़ा वो मुआवजा देवांगे। जिहड़ा भी परचा किसान अंदोलन दे नाल संबंधित है वो सारे परचे रद्द कर रहे, ये सरकार वालों अज फैसला ले लिया गया। सारे MLA सर्वसम्मति नाल सरकार नूं हदायत करते हैं कि पंजाब दे विच काले कानून लागू ना किए जाण, उहदे नाल पंजाब सरकार हुण इह कानूनां नूं लागू नहीं कर सकदी ते पंजाब दे विचों इह कानून है जिहड़े रद्द है। ऐसी उन्हां सारे किसान या मजदूर जिहड़े किसान यूनियन दे संघर्ष दे विच शहीद होए है, उन्हां नूं नौकरी ते जो निर्धारित मुआवजा उन्हां सारिआं नूं दित्ता जाएगा। स्वागत है अज किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा दियां सारिआं यूनियनां दे नाल लंबी चर्चा ते मीटिंग होई है। उन्होंने 18 पॉइंट सरकार नूं लिख के भेजे सी जिन्हां ते ओह विचार करना चाहुंदे सी, उन्हां दीआं मंगां सीगीआं। तां मैं इह दसदे होए खुशी महसूस कर रहा कि किसान यूनियनां दे नाल बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अच्छे माहौल दे विच खुशी दे माहौल दे विच आपसी तालमेल दे विच बहुत वधिया मीटिंग हुई है ते लगभग उन्हां दीआं सारीआं जो उन्होंने सानू कहा ऐसी उस तो भी उपर दो चार होर मंगां जिहड़ियां बाद विच भी उन्होंने दसियां वो सरकार ने मन लईआं है ते फुली सैटिस्फाइड बिल्कुल संतुष्ट होके साढ़े कोल तो किसान यूनियनां गई हैं और बड़े खुशी दे माहौल दे विच मीटिंग की समाप्ति हुई है। मैं किसान यूनियन का धन्यवाद करना चाहुंदा है कि वह पंजाब दे लई पंजाब दे किसानां दे लई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और मैं उन्होंने विश्वास दवाया है कि पंजाब की सरकार हर तरीके दे नाल किसान यूनियन दे नाल खड़ी है ते उन्हां दे मोर्चे दे विच जेकर सानू अस्तीफा दे के भी वह कहण तां असीं उन्हां दे नाल जाण नूं तैयार हैं ते असीं उन्हां दी हर तरीके दे नाल मदद दे विच पंजाब दी सरकार खड़ी है। पिछले विधानसभा दे विच जो सानू किसान यूनियन ने हुक्म कीता सी कि रेजुलेशन लिया जाए, ऐसी हूबहू उही रेजुलेशन लेके आए है, उस तो भी उपर दो लाइना मैं ऐड कराइया कि यह सदन सारे MLA सर्वसम्मति नाल सरकार नूं हदायत करते हैं कि पंजाब दे विच काले कानून लागू ना किए जाण, उहदे नाल पंजाब सरकार हुण इह कानूनां नूं लागू नहीं कर सकदी ते पंजाब दे विचों इह कानून है जिहड़े रद्द हैं। इस तों बिना 2013 दे विच जो अकाली सरकार ने इन्हां कानूनां काले कानूनां दे नाल मिलदा जुलदा ही कानून पास कीता सी जिस दी बुनियाद इन्हां जिहड़े हुण काले कानून आए उन्हां दी बुनियाद वह 13 दा कानून बनिया, ऐसी अकालिया का बनाया होया कानून भी रद्द कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे खिलाफ सी 2013 च उन्होंने बनाया सी, जिहदे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने करन दा ऐलान किया सी, कानून बनाया सी। सो अज जो मंगा उन्होंने 18 रखिया सी उन्हां च पहली करजे बारे डिमांड सी, एक और डिमांड दा असीं कहा कि असीं इहदे च सरकार पूरी आपसी घो करके फिर दोबारे उन्होंने बैठेगी, बाकी दियां 17 मंगा ऐसी उन्होंने
अज इथे ही ऐलान करके मन लिया। उस तो उपर भी कुछ गल्ला फिर उन्होंने मौके ते सानू कही ऐसी वह भी सरकार ने मान लिया। इन्हां दे विच गुलाबी सुंडी जिहड़ी बठिंडा एरिए च पई है, हालांकि मैनू सवेरे उगराह ग्रुप वाले भी मिले सी, उन्हां दी डिमांड सी, उन्होंने उत्थे संघर्ष भी कर रहे हैं उधर कि किसानों नू मुआवजा वध दिता जाए। अज भी किसानों ने इस गल का मुद्दा उठाया है, पर मैं अपने वालों ही वध जिहड़ा मुआवजा देना ऐसी सरकार चाहती है। सो जिहड़ा 12,000 का पहला मुआवजा गया है किसानों नू, हुण असी कुल 17,000 रुपया जिन्हों का 75% तो वध नुकसान हो गया, जिन्हों 100% मनिया जाता है, उन्होंने 17,000 रुपया 12,000 की बजाय 17,000 रुपया कुल है जिहड़ा वो मुआवजा देवांगे। ते नाल नाल जिहड़ा मजदूर नरमे नूं चुगदा है, जिन्हों चोगा कहिंदे आ, उन्हों 10% मुआवजा इस तो उपर दिता जाएगा, उन्होंने भी 10% मुआवजा जिहड़ा सरकार देगी, जिहड़ा कि असी डीसीआं दे दफ्तरां दे विच पैसे भेज दिते है। इस तो अलावा जिन्हें भी किसानी संघर्ष दे विच किसान शहीद होए है, ऐसी किसान यूनियन नूं कहा है कि तुसी सर्टिफाई करके सानू लिस्ट दे दो, जिहड़ी लिस्ट वो देणगे ऐसी उन्हां सारे किसान या मजदूर जिहड़े किसान यूनियन दे संघर्ष दे विच शहीद होए है, उन्हां नूं नौकरी ते जो निर्धारित मुआवजा उन्हां सारयां नूं दित्ता जाएगा। गन्ने दा 360 रुपये रेट किया गया है, उहदे विच पहला 310 सी, 50 रुपये जिहड़ा वधिया है उहदे चो 35 रुपये सरकार पाएगी, 15 रुपये गन्ना मिल पाउणगे, ते इह वी असीं उहनां दी मन जिहड़ी है मन लई है, ते उहनां ने काउंटर पेमेंट करने नूं कहा है। किसानां दी जिहड़ी फसल इस साल आई है, इस गल नूं सारियां यूनियनां ने मन्निया, किसानां ने मन्निया है कि इस वार अगे नालों बहुत वधिया फसल किसानां दी वधिया तरीके नाल चक्की गई है, सही टाइम ते पेमेंटां होई हैं, कोई विघन नहीं पिया, कोई हड़तालां या संघर्ष करन दी लोड़ नहीं पई। इस बार सरकार ने पिछले 20 सालां दे विच सब तो वधिया तरीके दे नाल फसल चक्की है, फिर भी जिहड़ी हुण फसल अजे कोई रहिंदी है वह असी अगले 3 या 4 दिन चक देवे। एक एपी स्कीम के तहत 500 किसानों ने मीटर लाए हैं सब्जी लाने वाले ने या कोई होर, उहदे विच 37,000 रुपया भी लाउंदा है। किसानों की मंग सी कि ये 500 मीटर भी फ्री कर दिते जान, किसानी के काम आउंदे है, फसल बीजते हैं, इस करके असी ये 500 मीटर भी जिहड़े उन्हां दे फ्री कर दांगे, उन्हां नूं जिहड़ी है वह फ्री बिजली किसानां नूं पानी लाउण लई मिलिया करेगी। इस तों अलावा भर्ती दी उन्हां ने गल कीती सी, तुसीं मेरा बयान पहलां भी 2-4 दिन पहलां देखिया कि असीं पंजाब दे विच चाहुंदे हां कि पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होण, उहदे वास्ते असीं हफ्ते दे विच विच नवां कानून लैके आ रहे हैं जिहदे नाल पंजाब दे विच पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होणगे। सो ये अज मैं थोनू दसना सी। एक होर वड्डी गल जिहड़ी किसानां ने साथों मंग कीती सी कि पिछले जिन्नी देर तो संघर्ष चल रहा है, बहुत सारे परचे पंजाब सरकार वल्लों किसानां ते कीते गए है, ऐसी जेड़ा भी परचा किसान अंदोलन दे नाल संबंधित है वो सारे परचे रद्द कर रहे, इस सरकार वालों अज फैसला ले लिया गया है। इस दे नाल नाल अगे तो असीं चाहुंदे हैं कि पराली नूं कोई किसान अग ना लावे, ते इस गल दी सख्ती भी सरकार करेगी, लेकिन अज तक पुराने जे कोई पराली दे नाल संबंधित
किसी दे परचा है अग लाने लई वो असी कैंसल कर रहे है। लेकिन अगे नू मेरी किसानां नू बेनती है कि कोई भी किसान पराली नू अग ना लावे, इहदे नाल प्रदूषण फैलदा है। ये सरकार नू ये लाजमी करना पैना है कि कोई भी किसान अग ना लगावे। लेकिन अग पुराने जिहड़े है वह गल्लां खत्म करतियां जा रही है, सारे परचे खत्म। किसानां दियां इस तरीके दे नाल सारियां मंगां नहीं मन्नियां जिहड़ियां कि अज मन्नियां गईयां। और उन्होंने मैनू कहा है कि अज सानू लग्या है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनया है जिहड़ा किसान किसानी दे हक विच काम करदा है, जिन्हें खेतां बारे हर चीज़ की नॉलेज है, जिन्हें पंजाब दे लोकां दी सरकार है, आम लोगों की सरकार है। उस वलों ये वचनबद्धता दोहरांदा है कि पंजाब सरकार किसानी मुद्दियां ते किसान जिहड़ा अंदोलन चल रहा उहदे इहनां दे नाल खड़ी है। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। उहदे बारे भी मैं उहनां नूं कहा कि असीं विचार करांगे, हालांकि इह लिखती डिमांड नहीं सी उहनां दी। उहदे बारे दुबारे टाइम लेके जे कोई होर भी मंगां उहनां दीआं होणगीआं, अज असीं लगभग सारिआं मान लईआं। हाँ वो अगे लवान ऐसी एक एक मंडी खुली रखी हुई है, जिहड़ियां बड़ियां मंडियां खुलियां है। इस तो अलावा भी ऐसी किसानां नूं भी कहा है जे किसी की फसल खड़ी है वह फोटो पा दे, उहदी किसान की फसल चक्की जाएगी। साडा सिर्फ इन्नी क मनसा है कि सूबे तो बाहर तो फसल ना आवे, लेकिन पंजाब दे किसान दा एक भी दाणा घर नहीं रहेगा। असी सारा चक्कण लई तैयार है ते चक्कांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नाल साडी पहले दिन तो गल होई भी है। जो पंजाब दी किसानी है, जो पंजाब दी फसल है, वह जरूरी है चक्कणी ते असी चक्कांगे। बाहर तो असी आउण नहीं दवांगे। फिलहाल ऐसी सरकारी नौकरियों वास्ते कानून लेके आए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आम आगे मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मसलियां दी मैं प्रगट सिंह जी नूं ते हेल्थ वालियां नूं दोनों मंत्रियां नूं दोनों दे सैकटरियां नूं चीफ सैकटरी दे नाल इक मीटिंग रखी है। साडे लगभग बाकी मसले इंपलाईज दे हल हो चुके हैं। ज़्यादातर साडा हेल्थ दा ते एजुकेशन दा रहिंदा है, उहदे बारे असीं दो चार दिनां विच ही बैठ के विचार वटांदरा करके उहनां नूं भी सिरे लगावांगे। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। पत्रकार साहबान नूं भी असीं परसों नूं बेनती करांगे कि वह भी साढ़े नाल परसों नूं जा सकते हैं। तो बारी बारी क्योंकि सीटा सानूं जिन्नियां मिलियां उहदे विच रह के असीं सारे नूं नाल लेके जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री बनण तों बाद प्राइम मिनिस्टर साहब नूं जिद्दण मिल गया, सब तो पहली मंग मेरी कोरीडोर नूं लैके सी। जदों होम मिनिस्टर नूं मिलिया सब तो पहली मंग मेरी कोरीडोर नूं लैके सी। उन्होंने मैं उस दिन विश्वास दवाता सी कि असी इसनों खोल देवे, तो कल खुल रहा मुबारक दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी का होम मिनिस्टर साहब का इस बारे धन्यवाद करदा कि उन्होंने पंजाब सरकार की डिमांड से, हालांकि होर लोगों ने भी डिमांड रखी है, पर जो ऐसी रखी है सानू उस ते खुशी है कि वह जिहड़ा लांघा खुल रहा है। डिमांड ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ।